आज हमने ये क्या देखा है प्रीमियर लीग में, क्या हुआ ये चीज़ भाई, डाइजेस्ट करने में समय लगेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड 6-1 हारी टॉटनहम से, लिवरपूल 7-2 हारी एस्टन विला से सेम डे। लास्ट वीकेंड मैनचेस्टर सिटी ने 5 कंसीड किया लेस्टर से। क्या चल रहा है प्रीमियर लीग में? देख बॉस, वन थिंग ओके, बहुत सिंपल बात है, प्रीमियर लीग के इस सीज़न जैसा सीज़न मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है अभी तक। ठीक है, इस पूरे सीज़न अभी तक एक भी नील नील ड्रॉ नहीं हुआ है, नॉट इवन वन। लिवरपूल एस्टन विला की पहले बात कर लेते हैं। एस्टन विला अमेजिंग फ्रॉम द फर्स्ट विसल, उनने प्रेस किया, उनने फ्रंट से प्रेस किया, उनने बॉल्स विन किए, उनने अटैक किया, उनने भाई लिवरपूल को ऐसे नहीं खेला जैसे कि बॉस हम चैंपियन से खेल रहे हैं, उनने ऐसे खेला जैसे कि बॉस हम एक अपनी इक्वल टीम से खेल रहे हैं। और आज हम दिखाना चाहते हैं, वो शो करना चाहते थे कि उनको क्या करना है। बट जो गेम हुआ था, ये 7 गोल्स एस्टन विला के, मैगन ग्रीलिश बाकली एक्सेलेंट एक्सेलेंट थे ये बंदे। लिवरपूल डिफेंस में बैड, बहुत बुरा, बहुत बुरे उनने बॉल्स लूज़ किए, बिना बात के उनने बॉल्स लूज़ किए, कोई मीनिंग नहीं थे। मतलब जिन टाइम्स उनको पोजीशन नहीं लूज़ करना चाहिए था, नॉर्मल पासेस नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे लिवरपूल प्लेयर्स। बट माई गॉड, एस्टन विला फर्स्ट हाफ में 25% पोजेशन, सेकेंड हाफ में 27% पोजेशन, एंड उनने अपनी ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज ली। एस्टन विला ने आज एक रिकॉर्ड सेट किया है। ठीक है, कोई भी चैंपियन ने प्रीमियर लीग एरा में 7 गोल्स नहीं कंसीड किए थे डिफेंडिंग चैंपियन ने। एंड दूसरी चीज़, पहली बारी हुई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल सेम डे पे या सेम मैच वीक पे 6 से ज़्यादा गोल कंसीड करे। दोनों टीम्स, दोनों ने 6 से ज़्यादा गोल कंसीड किए। अब भाई बस सिंपल बात है, विला में सब बहुत एक्सीलेंट खेले, फर्स्ट विसल से वो लोग जीतने के लिए खेल रहे थे, समझ में आ रहा था। फ्रंट फुट पे स्टार्ट किया, अर्ली गोल मारा, विन करना डिजर्व करते थे। एक मिस्टेक की उनके कीपर ने, मैमिलो मार्टिनेज ने, बट ठीक है, एक मिस्टेक लिवरपूल के भी कीपर ने की। एलिसन इंजर्ड था, शायद एलिसन होता तो थोड़ा स्कोर कम हुआ होता, बट एस्टन विला डिजर्व करता था जितना। लिवरपूल वर वो फुल डिफेंसिवली, अटैकिंग वाइज हर तरीके से वो फुल थे। दो तीन अच्छे पासेज अगर एस्टन विला ने बनाए, वो सीधा उनके अटैक पे थे, लास्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, या फिर सीधा गोल कीपर खेला 1 vs 1। अनबिलीवेबल नाइट, अन बिलीवेबल। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली अपना मैच 6-1 हार रहा है। क्या वो रेड कार्ड था मार्शल वाला? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता उतनी सी चीज़ के लिए रेड कार्ड देना चाहिए था। येलो सफाइस कर जाता उस कंडीशन में, रेड बिल्कुल नहीं। क्या टॉटनहम डिजर्व करती थी 6? एब्सोल्युटली, 10 मैन होते ही टॉटनहम ने बहुत अच्छा खेला। फर्स्ट मिनट पेनल्टी देख के लगा कि बॉस अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड पेनल्टी स्कोर करेगी, वापस गेम जीत जाएगी, बट भाई जो रिस्पॉन्स था टॉटनहम का, वापस आती एक स्क्रैप हुआ पूरा बॉक्स में, उसके बाद एंडोम्बले ने गोल स्कोर किया, उसके बाद हैरी केन की वो क्विक फ्री किक जिसको सॉन ने फिनिश किया। रेड कार्ड के बाद तो भाई लगा ही नहीं, सच बोलूँ वो पेनल्टी इंसिडेंट के बाद लगा ही नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत सकती है इस गेम को। कोई इतना सा भी चांस नहीं लगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के जीतने का, कोई चांस नहीं था। जब मैच स्टार्ट हुआ ये मैच वीक, मैनचेस्टर सिटी जब 1-1 स्कोर हुआ, उस दिन मुझे लगा मैनचेस्टर सिटी का रिजल्ट बहुत पुअर है, मैनचेस्टर सिटी इस सीज़न तो भाई बहुत स्ट्रगल करने वाली है। बट ये देखकर जो आज लिवरपूल और यूनाइटेड के साथ हुआ है, ओ बॉय। उसके बाद भाई जिस टीम ने सिटी को 5-3 हराया, 5-2 हराया, वो टीम जाकर 3-0 हार गई। लेस्टर सिटी 3-0 हार गई।
ये प्रीमियर लीग सीजन, दिस इज द बेस्ट प्रीमियर लीग सीजन। बहुत मजा आने वाला है इस सीजन भाई। जो मतलब जो चीजें इस सीजन हो रही है ना भाई, वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या किसी ने इमेजिन किया था ये लिवरपूल टीम यर्गन क्लॉप के साथ 7 गोल कंसीड करेगी? नहीं। क्या किसी ने इमेजिन किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉटनहम से, मुरीनियो लेड टॉटनहम से 6 गोल कंसीड करेगी होम पे? नहीं। क्या किसी ने इमेजिन किया था मैनचेस्टर सिटी लेस्टर से 5 गोल कंसीड करेगी? बिल्कुल नहीं। हम फोर्थ गेम वीक में हैं, एक भी निल निल ड्रॉ नहीं हुआ इस सीज़न, एक भी निल निल ड्रॉ नहीं हुआ इस सीज़न भाई। ये सीज़न भाई मतलब हर इमेजिनेशन तोड़ के आगे जा रहा है भाई। इस सीज़न एक प्रीमियर लीग फैन के लिए गोल्डन ईयर है, सच बोल रहा हूँ। ऐसा सीजन एक भी मैच मिस करने लायक नहीं है भाई। एवर्टन सबको सरप्राइज कर रही है, एवर्टन इस टाइम लीग के टॉप पे, 4 मैच 4 विंस। आर्सेनल सबको सरप्राइज कर रही है, काफ़ी अच्छा खेल रही है। सब टीम्स भाई बहुत अच्छा खेल रही है इस सीज़न। और क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। शेफील्ड यूनाइटेड की सीन बुरे चल रहे हैं, टॉटनहम सरप्राइज कर रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी अच्छा खेल रही कभी बहुत खराब खेल रही है, मैनचेस्टर सिटी अच्छा खेल रही है फिर बहुत बुरा खेल रही है, लिवरपूल 7 कंसीड कर रही है, एस्टन विला को जो टीम जस्ट जस्ट बची है नीचे जाने से। एंड एस्टन विला लिवरपूल की बात करें भाई, मुझे मालूम है मैं बहुत आगे पीछे कर रहा हूँ, हर चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक एनालिसिस वीडियो नहीं है भाई। अगर आप एनालिसिस देखने आए हो ये वीडियोज़ के लिए नहीं है ये भाई। बस मैं इस सरप्राइज़ को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या देखा है मैंने आज। ये मैच डे ट्रूली एक्सेप्शनल था भाई, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाला। इस मैच डे पे जो मैचेस देखे हमने, इट वॉज एक्सेप्शनल। ये प्रीमियर लीग सीजन एक्सेप्शनल हो रहा है। ऑली वॉटकिंस ने हैट्रिक मारी लिवरपूल के खिलाफ, वर्जिल वैन डाइक के खिलाफ ऑली वॉटकिंस ने हैट्रिक मारी है, ऑली वॉटकिंस। जैक ग्रिलिश ने 2 गोल स्कोर किए। अमेजिंग यार, अमेजिंग, मज़ा आ गया। चलो फिर, एनालिसिस चाहिए किसी मैच का बता देना, बट अमेजिंग भाई। अगर तुम प्रीमियर लीग नहीं देखते हो, दिस इज़ द सीज़न, स्टार्ट कर दो, बहुत मज़ा आएगा यार। दिस इज़ प्रॉबली द बेस्ट सीज़न ऑफ प्रीमियर लीग एवर, आर्ग्यूबली ये शायद बेस्ट सीज़न होगा प्रीमियर लीग का जो देखा जा रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा कौन रिलीगेट होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा कौन टाइटल जीतेगा, ये तक नहीं कोई गेस कर सकता कि कौन कंटेंड करेगा यूरोपा लीग या चैंपियंस लीग के लिए। हर प्रिडिक्शन गलत हो रही है भाई, हर एक प्रिडिक्शन गलत हो रही है। इस समय का गेम प्ले देख कर लग रहा है एवर्टन टाइटल जीतेगी, उनके कंटेंडर्स लग रहे भाई लेस्टर, लिवरपूल तो लग रही है, मैनचेस्टर सिटी बहुत इनकंसिस्टेंट लग रही है, बट शायद वो अभी भी कमबैक कर सकते हैं बिकॉज उनके स्क्वाड की क्वालिटी। मैनचेस्टर यूनाइटेड सब ने सोचा था टॉप 4 टॉप 5 पे आएगी, कहीं नहीं दिख रही। आर्सेनल कंटेंडर्स लग रही है चैंपियन बनने के। इंटरनेशनल ब्रेक, ये इंटरनेशनल ब्रेक पता है बहुत बुरा लग रहा है, इंटरनेशनल ब्रेक सोच के। कोई बात नहीं, 13 दिन के बाद वापस प्रीमियर लीग आएगा। चलो फिर अगले वीकेंड के मैचेस पे, अगले प्रीमियर लीग वीकेंड के मैचेस पे बात करते हैं। बट भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ये वीकेंड के मैचेस देखकर भाई। बेस्ट टाइम टू बी अ प्रीमियर लीग फैन। चलो फिर, बाय बाय।